हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज का व्लॉग अगेन कार से स्टार्ट होता है और थंबनेल तो आपको बता ही देता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो यस, हम जा रहे हैं मैरिज में। और देखो, आपने शेरावाली की ये प्रतिमा देखी अभी, कितनी प्यारी आई थी। तो हम जा रहे हैं मैरिज में और हस्बैंड की फ्रेंड की मैरिज है और वो भी देहरादून में। तो मस्ती धमाल सब कुछ होने वाला है, आप इस व्लॉग में बहुत इंजॉय करोगे। तो हम मॉर्निंग में 7 o'clock पर निकल गए थे, ब्रेकफास्ट नहीं किया था। सुबह सुबह वैसे भी भूख नहीं लगती है। तो अभी आपको पता ही है, मैंने पहले भी व्लॉग में दिखाया है, रास्ते में खैरा एक रेस्टोरेंट पड़ेगा तो वहाँ पर हम लोग खाएंगे। वहाँ का खाना हमें अच्छा लगता है तो वहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे। तो रास्ते के थोड़े बहुत माउंटेन्स आपको दिखाऊंगी, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, डायरेक्ट फिर वहीं पहुँच कर मैं आपसे मिलूँगी। जैसे कि मैंने कहा कि हम मॉर्निंग में जल्दी निकल गए थे, तो तराशा उस टाइम पर सो रही थी और हमने उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया। हम उसको ऐसे ही सोते सोते ले आए थे और हमने कार में पीछे उसका बेड बना दिया था, तो वो रिलैक्स होकर आराम से सो रही थी। और हम उसकी सेफ्टी पर्पज़ के लिए चाइल्ड लॉक भी लगा देते हैं। अभी आप देख सकते हैं माउंटेन्स आ गए हैं, तो हम हरिद्वार आ गए हैं और हरिद्वार में आप माँ चंडी के दर्शन कर लीजिए। और इसके बाद मैं आपको शिव जी की प्रतिमा भी दिखाऊंगी। जब भी हम हरिद्वार आते हैं तो वो भी आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये है शिव जी की प्रतिमा। और उसके बाद तराशा भी उठ गई थी, तो अब मैं आपको तराशा से मिलवा देती हूँ। कौन आया? तराशा उठ के आ गई है बाहर से, पीछे से। अब देखिए, यहाँ पर ये रसोई ढाबा था तो वहाँ पर हम रुके, फ्रेश हुए, ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद फिर हम आगे निकल गए थे। और मैंने आपसे कहा था कि हम खैरा रेस्टोरेंट में जाएंगे, बट ये हाईवे बन गया है तो जो हमारे राइट साइड में खैरा रेस्टोरेंट था वो शिफ्ट होकर लेफ्ट हैंड पर हो गया था, तो वो हमारे फिर रोड पर नहीं आया। फिर ये रसोई ढाबा आया, ये भी अच्छा था, हमें काफ़ी पसंद आया। और हमें इस टाइम पर भूख भी बहुत तेज़ लगी थी तो हमने बस जल्दी जल्दी से यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लिया था और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और उसके बाद फिर हम निकल गए थे और यहाँ पर पूरे मैरिज वाली वाइब्स वाले सॉन्ग लगाए हुए थे और मस्ती से पूरा इंजॉय करते हुए जा रहे थे। सो गाइस, पहुँच गए हैं जहाँ पर हमारा होम स्टे है और मैं आपको यहाँ का एक बार व्यू दिखाऊंगी, एकदम माइंड ब्लोइंग है, इतनी खुशी हो रही है ना। ये तो एक डेस्टिनेशन वेडिंग हो जाएगी हमारी और इसीलिए हमें मयंक भैया की शादी का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि यहाँ पर माउंटेन प्लस मैरिज होने वाली है। तो एक बार पहले मैं आपको अपनी बालकनी दिखाती हूँ और उससे यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, तो उसके बाद फिर हम रेडी होंगे। तो पहले मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। ये हमारा रूम था जो हमने आकर थोड़ा सा मैसी कर दिया। उसके बाद ये बालकनी से व्यू है जो कि जस्ट वाओ, सीरियसली बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इसको देखने के बाद फिर हम जल्दी जल्दी से रेडी हुए। और एक्चुअली ये मसूरी में था तो आपको माउंटेन्स भी यहाँ पर बहुत देखने के लिए मिलेंगे। अभी हम रेडी हो जाते हैं। सो फाइनली गाइस, हल्दी के लिए रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं, बहुत लेट हो गया है। तराशा काम, तराशा काम ले लिया, ये देखो तराशा। यहाँ पर मैं, आप आ जाओ, करिए। हम जब जा रहे हैं, हम जल्दी से, लेट हो गया। यस, चलो चलते हैं। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं हल्दी की डेकोरेशन जहाँ पर थी उस लोकेशन पर। और ये बहुत ही प्यारी डेकोरेशन की हुई थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी, चारों तरफ येलो येलो और इतनी प्यारी डेकोरेशन और साथ ही में माउंटेन्स चारों तरफ, तो बस क्या ही कहने। तो बहुत प्यारी डेकोरेशन थी और सबसे फर्स्ट टाइम मिली थी तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, ये सब भी मैंने बाद में रिकॉर्ड किया। पहले तो मैं सबसे मिली और मैं भी फर्स्ट टाइम मिली थी। और सामने ये जो आप गैदरिंग देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा लंच का था तो सब लोग यहाँ पर लंच कर रहे थे। और अगेन मैं यही बोलूँगी कि डेकोरेशन बहुत ही प्यारी थी और सनलाइट में ना फ़ोटोज़ भी बहुत ही प्यारे आए। तो यहाँ पर आप मेरा ये हल्दी लुक देख सकते हैं, मैंने भी येलो पहना था। तो अभी आप वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए। Thank you.
और ये अब आप हमारे दूल्हे राजा से मिल लीजिए, उनको हल्दी लगाई जा रही है। तो उनके फैमिली फ्रेंड्स जितने भी रिलेटिव्स थे सबने मिलकर हल्दी लगाई, हल्दी नहीं इवन ढेर सारी हल्दी लगाई। आगे आगे आप देखना, बहुत सारी उनको हल्दी लगाई थी और सबने खूब सारा इन्जॉय भी किया। और उसके बाद मैं आपको ब्राइड से मिलवाती हूँ। तो ये हमारी प्यारी सी ब्राइड है, इधर उनको हल्दी लगाई जा रही थी। तो दोनों तरफ से पूरा इन्जॉयमेंट चल रहा था और ये सब फैमिली मेम्बर्स हैं जो अपने अपने तरीके से पूरा इन्जॉय कर रहे थे। तो सब पूरे मस्ती में थे। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, एक छोटा सा क्यूट सा बेबी था जिसका फ़ोटो सेशन चल रहा था। तो देखिए यहाँ पर हल्दी लुक का पूरा फ़ोटो सेशन हो रहा है, तो मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था जो मैंने कैप्चर कर लिया। और पीछे आप तराशा को देख सकते हैं, वो उस टाइम बस मेरे हाथ ही नहीं आ रही थी, उसकी इतनी सारी फ्रेंड्स वहाँ पर बन गई थी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो रील्स बनती हैं उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो कितनी होती है। जब हम रील्स वगैरह देखते हैं तो हमें लगता है वाओ कितनी प्यारी है, बट उसके पीछे बहुत मेहनत की होती है। तो यहाँ पर हम सब रील्स बना रहे थे और उसके लिए काफ़ी सारी मेहनत भी लग रही थी, काफ़ी सारे शॉट लिए गए जिसमें से एक फिर बेस्ट आया। तो फोटोग्राफर हमें बता रहा था कि आपको इस तरीके से खड़ा होना है, इस तरीके से करना है। तो दो तीन बार हमारा रोंग हुआ, उसके बाद फिर हमारा राइट भी हो गया। तो मैंने भी एक कैप्चर किया है जो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी हम पूरा इंजॉय कर रहे थे और बार बार शॉट पे शॉट दे रहे थे। तो ये था हमारा फाइनल शॉट और ये था लास्ट में बॉयज़ का। बट देखिए मैंने इसको एक और लेवल अप कर दिया, ये देखिए तो कितना अच्छा लगा ना। उसके बाद बस हमने लंच किया, सबसे मिले, बातें की, फ़ोटोज़ क्लिक कराए, बहुत सारी रील्स बनाई जो आपने शॉर्ट्स वीडियो में मेरी देखी होंगी। और उसके बाद सेम ही डे नाइट में हम आए हैं एंगेजमेंट के लिए। तो ये उसी की डेकोरेशन है, ये भी बहुत ही प्यारी लग रही थी और हमने यहाँ पर भी बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए। और यहाँ हम फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया बजाय वीडियोस बनाने के। बट मैंने बहुत सारी ऐसी क्लिप ली हैं जो एक लाइफ टाइम मेमोरी होती हैं, जो बहुत ही यादगार हमारे पल होते हैं, तो वो सब मैंने रिकॉर्ड किए हैं। और यहाँ पर हमारे जो ग्रूम और ब्राइड हैं दोनों आ गए थे और यहाँ पर चल रहा है इंगेजमेंट सेरेमनी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन बोथ ऑफ यू। और बस इसके बाद सबने फोटोज़ क्लिक किए और बहुत सारा डांस किया। तो अभी आप ग्रूम की सिस्टर का डांस देखिए। अरे क्या बात है। अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। सो आप बालकनी से एक बार मॉर्निंग व्यू देखिए, जस्ट माइंड ब्लोइंग। इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं वर्ड्स में आपको बता ही नहीं सकती। आपको जो झूला हिलते हुए दिख रहा है ना, यहाँ पर मैं बैठी हुई थी और यहाँ बैठकर मैंने इतना रिलैक्स किया है ना कि बस क्या ही बताऊँ मैं आपको। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। अब हम जल्दी से रेडी हुए और हम गए पासी में, एक मंदिर था महादेव जी का, श्री प्रकाशेश्वर महादेव जी का ये मंदिर था। और ऊपर से आप एक बार देखिए कितना प्यारा मंदिर था और कितना सुंदर ये बना हुआ था ऊपर की साइड से। और यहाँ पर आपको कोई और भी दिखाई देने वाला है, तो यस यहाँ पर आपको अर्चित भैया दिखाई देंगे। तो वो भी आ गए थे क्योंकि आज के दिन थी शादी, तो वो भी आ गए थे और हम सब ने साथ में मिलकर महादेव जी के दर्शन किए। और यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ जो शायद ही आपको मंदिर में देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर लिखा हुआ था कि पैसे चढ़ाना सख्त मना है, ये एक निजी मंदिर है, तो बहुत कम जगह ऐसे लिखा होता है कि यहाँ पर आप पैसे ना चढ़ाएं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी और आप भी मेरे साथ महादेव जी के दर्शन कर लीजिए। अब मैं आप सबको मिल रही हूँ डायरेक्ट नाइट में और बीच का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और यहाँ पर मैं तराशा के आपको आर्टिफिशियल नेल्स दिखा रही थी जो कि बहुत ही क्यूट लग रहे थे। यहाँ पर तराशा एकदम रेडी है और घुड़चढ़ी का टाइम हो गया है, तो वो यहाँ पर फुल डांस कर रही है। और घुड़चढ़ी के टाइम पर दूल्हे का तिलक वगैरह होता है, तो वो सब यहाँ पर हो रहा है और सब लोग पूरा मस्ती में धूमधाम से पूरा डांस कर रहे हैं। अब आप भी हमारे साथ डांस को एंजॉय कीजिए।
ढेर सारा इंजॉय करते हुए, डांस करते हुए हम बारात ले आए हैं और यहाँ पर दुल्हन की साइड से वेलकम के लिए सब लोग रेडी थे और यहाँ पर दूल्हे का वेलकम हो रहा है और ये मोमेंट मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। और जब ये वाला सॉन्ग साथ में गाया जाए, दामाद जी अंगना में पधारे, तो ये वाला सॉन्ग मुझे बहुत ही पसंद है। और यहाँ पर मैं आपको अपना मैरिज लुक दिखा देती हूँ। और हम तीनों ने ब्लैक पहना था, तराशा मैंने और हस्बैंड ने, तो हमने मैचिंग मैचिंग पहना था और बहुत सारा डांस भी किया। और डांस करने के बाद हालत पूरी ख़राब हो गई थी, क्योंकि जब आप काफ़ी टाइम के बाद डांस करते हो ना, तो फिर पैरों की बैंड बच जाती है। अब हमारी ये प्यारी सी ब्राइड आ गई हैं, जो कि बहुत ही क्यूट लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी, किसी की नज़र ना लगे, और साथ में दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पर हमारे दूल्हे राजा ने दुल्हन का वेलकम किया और ये मोमेंट देखिए कितना प्यारा था जो मैंने कैप्चर किया। तो कभी कभी मैं जब एडिटिंग करती हूँ और देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि वाओ, मैंने कितना अच्छा ये मोमेंट कैप्चर किया है। और जैसे कि मैंने कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, बट जो प्यारे प्यारे मोमेंट होते हैं वो मैंने मिस नहीं किए, वो सारे रिकॉर्ड किए हैं। तो यहाँ पर है जयमाला का टाइम, तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। और यहाँ पर मैं एक ही बात बोलूँगी कि दोनों हमेशा खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, लाइफ का कोई भी मोमेंट हो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहना, एंड गॉड ब्लेस यू बोथ। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक देकर मोटिवेट ज़रूर करना। मिलती हूँ आपसे और एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना, खुश रहना। बाय बाय।